Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 15, Waves. Wave motion. Wave motion is a physical phenomenon. It is a form of disturbance which travels through a medium due to the repeated periodic motion of the particles of the medium about their mean position. The motion being transferred from one particle फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. वेव मोशन क्या होता है? एक फिजिकल फिनोमिना है जो कि एक डिस्टर्बेंस का फॉर्म है जो कि ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम. ठीक है, वेव जो है वो कभी भी विदाउट मीडियम जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा. एक पीरियोडिक मोशन के तरीके से वो क्या करता है, ट्रैवल करता है. ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जब हम लोग किसी शांत पानी में, ठीक है, किसी शांत पानी में आप अगर पत्थर डालेंगे, ठीक है, किसी नदी तालाब में आप अगर जाते हैं और वहाँ पर आप एक पत्थर डालते हैं, तो जहाँ पर पत्थर गिरा है वहाँ पर से देखेंगे तो सर्कुलर के फॉर्म पे एक वेव्स बनती हुई आती दिखाई देंगी आपको. ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो भी एक तरीके से वेव ही है. और आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग को जब हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं और जब उसको रिलीज करते हैं. ठीक है, जब उसको कंप्रेस करते हैं और फिर जब रिलीज करते हैं तो बहुत काफ़ी देर तक जो स्प्रिंग है वो क्या होता है, अप डाउन होते रहता है. ठीक है, बहुत देर तक स्प्रिंग या तो अप डाउन होते रहता है या फिर वापस से थोड़ा सा हिलता रहता है. ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो भी एक तरीके से वेव मोशन ही है. नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ वेव. ठीक है, यहाँ पर मेनली आपके थ्री टाइप्स होते हैं. सबसे पहले है आपका मैकेनिकल वेव्स. तो मैकेनिकल वेव्स वही है जिसमें कि आपका डिस्टर्बेंस जो होगा वो आपका मीडियम मीडियम आपका मींस जो यहाँ पर जो मीडियम रहेगा, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, उसकी उसका जो स्पीड रहेगा वो एक डेफिनाइट स्पीड रहेगा और उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा. मींस जैसे कि आप स्प्रिंग देखिए, ठीक है, तो स्प्रिंग में क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक एक डेफिनेट स्पीड में वो हो रहा है और उसका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं हुआ है. मींस अगर वो अप डाउन के ही फॉर्म पे, तो वो अप डाउन के ही फॉर्म में रहेगा. ऐसा नहीं है कि वो फिर से अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल में ही रहेगा, वर्टिकल नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है. फिर से देख लीजिए क्या है मैकेनिकल वेव्स. अ मैकेनिकल वेव इज दैट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल मीडियम विच एडवांसेस इन द मीडियम विद अ डेफिनाइट स्पीड विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म. ठीक है, जो उसका मीडियम रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक डेफिनाइट स्पीड में ट्रैवल करते हैं. एक डेफिनाइट स्पीड रहती है उन मीडियम की. ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसका फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगा और उसकी जो स्पीड रहेगी वो यहाँ पर डेफिनेट रहेगी. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो वेव है, जो स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका मैकेनिकल वेव्स है और बाकी जो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, साउंड वेव्स है मींस साउंड वेव भी आपका क्या है, मैकेनिकल वेव में ही आएगा. नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. ठीक है, मैकेनिकल वेव में एक मीडियम की जरूरत थी, चाहे वो एयर हो या कुछ हो. ठीक है, यहाँ पर आपका वेव स्प्रिंग में और साउंड वेव जो है वो उसमें मीडियम की रिक्वायर्ड थी, जो कि क्या है अभी फिलहाल आपका एटमोसफियर है, एयर है. उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स रहती हैं उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती उस वेव को ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है आपका, एक्स रेस, यूवी रेस एक्सेट्रा. ठीक है, तो जैसे कि अब एग्जाम्पल सोचिए, जब सन है, ठीक है, सन से रेज निकल कर आ रही है अर्थ पर. ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, टाइम टू टाइम पे क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा है और अर्थ के बाहर में क्या है आपका, वैक्यूम है, वहाँ पर एटमोसफियर नहीं है, वहाँ पर कोई एयर नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी मीडियम जो है वो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, यही यहाँ पर आपका बता रहा है. नेक्स्ट देखिए मैटर वेव. थर्ड है आपका मैटर वेव. द वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स. एग्जाम्पल आर डी ब्रॉगली वेव्स. एग्जाम्पल वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब मैटर वेव क्या होता है, तो ऐसे मूविंग पार्टिकल्स पे जो मैटर है, ठीक है, जो वेव्स वर्क कर रहा है वो है आपका मैटर वेव्स.
या फिर उसको डी ब्रॉगली वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो सब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको क्या, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन रहता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, उसमें जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव्स। नेक्स्ट देखिए, मैकेनिकल वेव्स के अब टाइप्स हैं यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। बेसिकली जो आपका वेव्स हैं उसमें आपका मैकेनिकल वेव्स की ही स्टडी यहाँ पर आपको बताई गई है आपके बुक में। काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, ये विथ रेस्पेक्ट टू है, विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। कितने टाइप्स के, जिस तरीके से उसका डायरेक्शन होगा, किसका डायरेक्शन होगा, तो वेव का जो डायरेक्शन होगा, ट्रैवल करने का जो वेव का डायरेक्शन होगा, उसके उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको मैकेनिकल वेव के टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है। पहला है आपका ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। देखिए, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, देन द वेव प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। देखिए, ये आपका इस फॉर्म पे रहेगा, ठीक है, ये आपका इस फॉर्म पे रहेगा, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। ये जो है वो क्या है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जितना जितना अप जा रहा है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका प्रोपगेशन, ठीक है, ये आपका क्या है बोला जा सकता है, ये आपका जो है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। आगे आपको इसकी एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन बताऊंगी। ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये आपका क्या है, पार्टिकल का मीन्स वेव के ट्रैवल करने का डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन है, और ये जो है ये कितना ऊपर जा रहा है, मीन्स डायरेक्शन है, और यह उसका वाइब्रेशन जो है वो है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला जितना पीच, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ये और ये आपका हो गया डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे वेव्स जो जिनका डायरेक्शन और जिन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन या डिस्प्लेसमेंट है वो, और आपका मीडियम जो है दोनों परपेंडिकुलर होगा, उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपका लेमडा है, ठीक है, लेमडा है जिसको क्रेस्ट क्रेस्ट है, यहाँ पर ये आपका, यहाँ से ये जो है, ठीक है, ये यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, इसका जो हाईएस्ट पीक है, और दूसरे दूसरे जो सेकेंड वाला जो वेव है उसका जो हाईएस्ट पीक है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, किसी भी वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट है, चाहे वो ऊपर में हो या फिर नीचे में हो, वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये ऊपर ऊपर वाले जो ऊपर में जो ये बन रहा है वेव, ऊपर में जो ये वेव्स बन रहे हैं उसको क्रेस्ट कहा जाता है, और जो नीचे में जो वेव्स बन रहे हैं उसको ट्रो कहा जाता है, ठीक है। इन ट्रो में भी, इन ट्रो में भी ये दोनों वेव के बीच का डायरेक्शन, ठीक है, नीचे के जो वेव्स हैं उन दोनों के बीच का, उन दोनों के हाईएस्ट पॉइंट के बीच का, ठीक है, यहाँ पर से हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो स्पेस है उस, वो भी आपका क्या है, लेंथ है, ठीक है। उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपका वेवलेंथ कहलाता है। इन ट्रांसवर्स वेव द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज द अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड क्रेस्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, देन द वेव प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें वाइब्रेशन का और जो डायरेक्शन है, वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है, और साथ में जो मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन है, ठीक है, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन है, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और मीडियम ऑफ, मीडियम जो है, ठीक है, एक जहां से इस तरह यहां पर वो ट्रैवल कर रहा है, इस तरह यहां जा रहा है, ठीक है, यहां पर जा रहा है, और जो इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है मींस इन दोनों के बीच, ठीक है, ये सपोज कर लीजिए ये जो दो लाइंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ऐसा ऐसे वेव्स जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और साथ में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और जो दोनों का जो हाईएस्ट पीक है, या जो डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों ही अगर पैरेलल होंगे, उस केस पे जो वेव्स होगा वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएगा।
ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये जो एकदम पास पास में वो आपका देखिए यहाँ पर और दिया हुआ है। ठीक है, द रीजन इन विच पार्टिकल्स कम क्लोजर इज कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है, ये जो सी है वो क्या है, शो कर रहा है आपका कंप्रेशन शो कर रहा है, और जो ये जहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा, ये जो लाइन्स है उसमें जो गैप्स बहुत ज़्यादा है उसको कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है द रीजन इन विच पार्टिकल्स गेट फार्दर अपार्ट इज कॉल्ड द रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इन दोनों में भी क्या है आपका, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, लेमडा कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस बताए गए हैं, ये डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया उसी का ही रिटर्न फॉर्म है, समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट, ये आपका डायग्राम है, ये इस फॉर्म पे आपका वेव बना है। अब एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम अंडर गोज एंड ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या है एम्पलीट्यूड, ये जो आपका हाइएस्ट पीक दिख रहा है, ठीक है, ये वेव का जो हाइएस्ट पीक है, हाइएस्ट पीक है, हाई मतलब 0 पॉइंट से लेके जो इसका हाइएस्ट पीक है वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है, चाहे वो ऊपर में हो या फिर नीचे में हो। यहाँ पर भी 0 से लेके जो इसकी हाइएस्ट पीक रहेगी वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन विच कम इन कम्प्लीटिंग वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, जब एक 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 आपका क्रेस्ट और एक ट्रो, ठीक है, ये जो वेव है ये एक क्या है, ये एक फुल वेव कहलाता है, ऊपर वाला और एक नीचे वाला दोनों मिलाकर एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट वेव या एक कंप्लीट वाइब्रेशन क्या है, कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रो दोनों मिलाकर एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहलाता है, ये आपका एक वाइब्रेशन हो गया। अब इस एक वाइब्रेशन को, ठीक है, या इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। ठीक है, उस एक एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय न्यू। ठीक है, ये क्या है, न्यू है, इसको न्यू कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जब वाइब्रेशन, ठीक है, 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होगा, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहा जाता है, 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होगा उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। किससे डिनोट करते हैं इसको, आपका इसका न्यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है फेस, इट इज अ क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल और एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, फेस क्या है, तो एक क्वांटिटी है जो कि डिस्क्राइब करती है किसी का भी पोजिशन और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, किस पोजीशन पर है और किस डायरेक्शन पे मोशन कर रहा है जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, वो किस डायरेक्शन पे मोशन कर रहा है और उसकी पोजीशन क्या है, ये चीज दिखाता है आपका फेस किसी भी इंस्टेंट टाइम पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब उस पार्टिकुलर किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे हम लोगों ने उसको क्या उसको उसका पोजीशन जानने के लिए और उसके डायरेक्शन को जानने के लिए उसके डायरेक्शन को जानने के लिए और उसके पोजीशन को जानने के लिए एक क्वांटिटी मतलब मीन्स उस किसी एक वक्त पे हम लोग को उसका पोजीशन और एक उसका डायरेक्शन जो है वो जानना है, तो उसको कहा जाता है फेस। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी एक क्रेस्ट से लेकर, ठीक है, किसी एक वन टाइम पीरियड, ठीक है, वन टाइम पीरियड में जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं उन वो क्या है आपका वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर से ये आपका क्या है, क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी, ठीक है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है वो आपका वेवलेंथ कहलाता है। उसी तरीके से दो ट्रो के बीच का दूरी, ठीक है, दो ट्रो के बीच, दो ट्रो के बीच का जो दूरी, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो आपका वेवलेंथ कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन कांस्टेंट।
द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स सिचुएटेड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर वेव नंबर. ठीक है, कोई जो फेज डिफरेंस होते हैं उन किसी भी दो फेज के बीच का जो डिफरेंस होगा किसी भी पार्टिकल्स का जो फेज डिफरेंस होगा अगर वो यूनिट डिस्टेंस की दूरी पर है. ठीक है, किसी भी दो पार्टिकल्स का जो फेज डिफरेंस है अगर वो यूनिट दूरी मीन्स वन. ठीक है, यूनिट मतलब क्या होता है, वन, यूनिट दूरी पर है तो उसको कहा जाएगा प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट या फिर उसको एंगुलर वेव नंबर भी कहा जाता है. नेक्स्ट है वेव स्पीड. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन सेकेंड इज कॉल्ड वेव स्पीड. इट इज डिनोटेड बाय वी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वेव स्पीड क्या होता है, एक सेकेंड पे जो वेव है वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ठीक है, एक सेकेंड पे वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको कहा जाता है वेव स्पीड. इसको वी से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट है वन मीटर, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आपका आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है. थैंक यू.